वो दिन दूर नहीं, देखो वही रिलाई होगी जो रिलाई श्रीलंका में पत्रकारों को इसलिए मारा पीटा जा रहा था। आप जैसे घटिया स्तर के पत्रकारों की रिलाई हो रही है श्रीलंका में, भारत में दिन दूर नहीं है आपको भी चुन चुन के मारा जाएगा। जैसे श्रीलंका में मंत्रियों के साथ साथ पत्रकारों की कुटाई हो रही है ना, आप जैसे पत्रकारों की और अंधभक्तों की तीन दवाई, लात जूता और पिटाई, भारत में वो शुरू होने वाला है। सीताराम बोलवा लो ना प्रधानमंत्री से, जसोदाबेन की याद आ जाएगी। कभी बोल लेना प्रधानमंत्री को जसोदाबेन की याद में ताजमहल जैसा दूसरा बना ले, क्यों वहाँ खुदाई कर रहे हैं। चलो ना कैलाश मानसरोवर, हाफ पैंट पहन के लाठी डंडा ले, आर्मी में कौन जाएगा, पत्रकारिता कौन करेगा, बताओ ना। आज अगर आपके पापा ने आपकी माँ को छोड़ा होता तो आप पत्रकारिता कर रहे होते? इसलिए जरूरी है घर बसाना। पैजाब पहन लो, हाथों में चूड़ियाँ, ठुमका लगाओ ना घगरा चोली पहन के। ठीक है, बच्चा हाथी ही होगा, चूहा का बच्चा चूहा ही होगा। गाय को, भैंस को, बकरी को रूखा सूखा घास खिलाते हैं तो वो अमृत जैसा दूध देता है, लेकिन वही अमृत जैसा दूध अगर आप सपोलों को पिलाते हैं तो वो सांप जहर ही उगलता है। आरएसएस के द्वितीय गुरु गोवलकर ने अपनी किताब में साफ और स्पष्ट लिखा है, 95% लोगों को गरीब बनाना, 5% लोगों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण देना। हम और आप लड़ते रहिए हिंदू और मुसलमान। अंबुजा और ACC भी तो ले गया अडानी, आप देखिए ना, अडानी को जानबूझकर अमीर बनाया जा रहा है। सोचिए, देश के लोगों को सोचना होगा। अडानी सरकारें आती जाती रहेंगी, अगर अडानी ने पूरे भारत को लूटकर विश्व के कई अलग अलग देशों में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो भारत का क्या होगा। भारत पर ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ल्ड बैंक से इतना कर्जा ले रखा, RBI में जो जमा धन था उसको लूट लिया, बैंकों की स्थिति खराब कर दी, देश की तमाम संपत्तियों को बेचकर देश को खोखला कर दिया। हमने देखा है सोने की लंका को लूटते हुए सोने की चिड़िया की क्या बिसात है। आज सोने की चिड़िया लूट ली गई है जानबूझकर। जो लोग प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के पार्टी से संबंध रखते हैं उन लोगों ने जानबूझकर गोवलकर के सिद्धांत को मानते हुए पूरी की पूरी भाजपा की सरकार ने भारत को खोखला कर दिया। वो दिन दूर नहीं श्रीलंका जैसे हालात हमारे देश में भी हो जाएं। इतना मजबूत प्रधानमंत्री होने के बावजूद आप कैसे कह सकते हैं कि श्रीलंका के जैसे हालात हमारे देश में भी हो सकता है? कौन सी मजबूती? अंबुजा सीमेंट की मजबूती है। पाकिस्तान कहाँ पर आप बोलते मजबूती? जो हराम का खाता है वो, अरे सुन तो लो, जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। आप लोगों को रेवड़ियाँ मिलती हैं, आप गुण गाते हैं। आप पैरों में पैजाब पहन लो, हाथों में चूड़ियाँ, ठुमका लगाओ ना घगरा चोली पहन के। मजबूत हाथों में अगर देश होता तो चाइना ने अरुणाचल में गांव बसा लिए। आपकी मजबूती आपके यहाँ कहाँ है पता है ना, पत्रकार बनते हो। अरे आप लोग तो पहले के राजा महाराजा भांड लगता था, कम से कम उन कुत्तों से भी सीखा होता जो बेवजह नहीं भोगते। आप देश को बरगला रहे हो, बेशर्मो शर्म नहीं आता कि चाइना ने LOC में टेलीफोन टावर लगा लिए, आपको नहीं दिख रहा? आप बताओ इसे मजबूती कहोगे? आप इसे मजबूती कहोगे क्या यार? कुछ भी बोलते हो, पत्रकारिता करते हो, सवाल पूछना सत्ता से, शासन से, जिसके हाथ में सरकार चलाने का जिम्मा है उनसे सवाल पूछो, महंगाई पर पूछो। आ गया, महंगाई दूर हो गई बातों बात में, अच्छे दिन आ गए बातों बात में, बुलेट ट्रेन चल गया, आप उस पर नहीं पूछ रहे, साधारण ट्रेनें नहीं चल पा रही हैं। अगर आप महंगाई की बात करें तो कहा जाता है जो कांग्रेस की नीति थी उसकी वजह से आज देश के अंदर इतनी महंगाई है। कांग्रेस की नीति के कारण ही नरेंद्र मोदी जी पापा नहीं बन पाए, यही मतलब कहना चाह रहे हैं आप? कुछ भी कह जाओगे क्या? आप समझो आपकी नाकामी है। सुनो, प्रधानमंत्री का पद पर्सनल नहीं होता, सार्वजनिक होता। सुनो, पत्रकार ने पत्रकार से क्या बोला कि आप महंगाई पे सवाल किए, बेरोजगारी पे सवाल, क्यों नहीं वही आपसे है? आप किसी के निजी, बिल्कुल बिल्कुल सुन लो, अरे मैं हिंदू हूँ, सुनो भारतीय हूँ। अगर आपके पापा शादी करके अगर छोड़ दिए होते आपकी मम्मी को तो आप होते? यही तो दुनिया है, यही तो देशभक्ति है कि आपको अपनी जैसी कृति पैदा करना होगा। आप समझिए, देश चलाने के लिए लोगों की जरूरत है, युवाओं की जरूरत है, तो ये कहाँ से आएंगे? सब ऐसा ही अगर हो गया तो फिर देश चलाने के लिए बीवी बच्चा भी जरूरी है? नहीं है, कैसे जरूरी है? देश चलाने में बीवी फौज में कौन जाएगा? देश परिवार है क्या? अरे भाई सुन रहा यार, सुन तो लो, सुन, कान का बबसीर है, सुनो तो सही। आर्मी में कौन जाएगा, पत्रकारिता कौन करेगा, बताओ ना। आज अगर आपके पापा ने आपकी माँ को छोड़ा होता तो आप पत्रकारिता कर रहे होते? इसलिए जरूरी है घर बसाना, इसलिए जरूरी है सरहदों की रक्षा के लिए जरूरी है घर बसाना, देश चलाने के लिए जरूरी है। आप गए सरहद की रक्षा करने के लिए? मुंह में फेविकॉल है, चलो ना कैलाश मानसरोवर,
हाफ पैंट पहन के लाठी डंडा लेके चलो अपने बच्चे को कैमरे के सामने लाइए। क्या आप अपने बच्चे को कैमरे के सामने लाइए, प्रूफ करिए कि आप भी बच्चे वाले। आप लोगों को भाजपा ने ऐसा रोटी बोटी फेंका है कि कुतुर कुतुर के खाने का काम है। जब मेरी शादी ही नहीं हुई तो मैं बच्चे को कहाँ से लाऊंगा? आपको भी तो करनी चाहिए प्रधानमंत्री। बिल्कुल, अरे तो उम्र देखो, हमारा 72 साल उम्र हो गया, शादी करके छोड़ दिए हम। अरे सुन, ऐसा नहीं होता। अरे सुन तो लो, मैं जिस समाज से आता, हमारे समाज में 40 साल के बाद ही शादी होती, चूंकि हम लोग देश के लिए सोचते, परिवार नियोजन की नीति को मानते। आप बरगलाओ मत, सवाल पूछो कि 2012-13 जाए, सुने पहले बिल्ली की तरह रास्ता काट रहे हो। 2014 में जो बोलने वाला आदमी, जो बंदा खुद शादी नहीं किया वो प्रधानमंत्री पे पॉइंट आउट कर रहा है। अच्छा, शादी करके छोड़ देना ये है? हमने शादी करके छोड़ दी जसोदा बेन की तरह? अरे कभी सीताराम बुलवा लो ना प्रधानमंत्री से, जसोदा बेन की याद आ जाएगी। कभी बोल देना प्रधानमंत्री को जसोदा बेन की याद में ताजमहल जैसा दूसरा बना ले, क्यों वहां खुदाई कर रहे? आप समझो, पहले आओ मुद्दे पर। 2014 में बोलने वाला प्रधानमंत्री महंगाई का मौ क्यों नहीं बोल रहा? बेरोजगारी का बौ क्यों नहीं बोल रहा? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहा? रामायण ने साफ साफ और स्पष्ट सिखाया है कि रावण ने अगर भगवा वस्त्र नहीं पहना होता तो माँ सीता का हरण नहीं होता, अगर कालनेमी ने भगवा वस्त्र का सहारा नहीं लिया होता, प्रभु श्री राम का नाम नहीं लिया होता, तो हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से नहीं रोकने की कोशिश कर पाया होता। इस आधार पर आप सबसे पहले हिंदू धर्म को समझने की जरूरत है। जिस तरीके से योगी मोदी एंड टीम यानी पूरी भाजपा और आरएसएस हिंदू धर्म को बदनाम कर रहा है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, हिंदुओं को नींद से जागने की जरूरत है। हिंदू धर्म के 5 तत्व हैं, सुनो पहले। अगला मत बनो, हम समझ रहे तुम्हारी बात काटो मत, सुनो पहले। हिंदू धर्म पांच तत्व हैं, त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार। हिंदू धर्म के 4 स्तंभ हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। आपने देखा होगा रामचरितमानस, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, परहित को ही धर्म मानने की बात प्रभु श्री राम अपने भाई भरत की विनती पर कहते हैं। परहित जैसा कोई धर्म नहीं, और सभी धर्मों में परहित को धर्म माना गया है। तो एक बात बताइए, आप चुनाव के समय भगवान के नाम पर भगवा वस्त्र पहनकर घड़ियाली आंसू बहाकर आप वोट ले लेते हैं, तो क्या भगवान राम कभी अपनी प्रजा को इस तरीके से दंड देते थे क्या? जो वोट लेना है तो 5 किलो राशन ले लो, चना ले लो। भगवान के नाम पे वोट मांगा है? कुछ नहीं मांगा, बताइए। अरे इतना पक्ष ले रहे हो, सुन लो, बेशर्म हो, शर्म करो। जिस धर्म को मानते हो उस धर्म शास्त्र की कसम खा के बताओ कि वोट भगवान के नाम पर मांग कर लूटने वाला कौन है? तो और हर लुटेरा है, सुनो, आज भगवान को ला रहे हैं तो दिक्कत क्या है? कौन ला रहा है भगवान को? ज्ञान व्यापी में। अरे कौन भगवान को लाएगा? भगवान हम सबको लाए हैं कि भगवान को आप लाइएगा? आप कहिएगा हम अपने पापा को लाए हैं, आप पापा को लाइएगा कि पापा आपको लाए हैं? अरे फिर मैं पहले सुनना रहा यार, मुगलों ने जिन मंदिरों को तोड़ा, अगर उस मंदिर को आज ढूंढा जा रहा है, निकाला जा रहा है, तो इससे आपको तकलीफ है? अच्छा, आप नहीं चाहते? ठीक हो गया जी। कौन सा मुगल आया था बनारस में जो शिवलिंगों को तोड़ा था, शिव मंदिरों को तोड़ा था? अरे भैया सुने रहा, अभी 8 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कौन सा मुगल तोड़ा? अरे भैया सुन तो लो अरे भैया सुन रहा क्या है मुंह में कुछ है तुम्हारे? सुनो पहले बात, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनारस में जो मंदिर तोड़वाए, वो मंदिर अंग्रेज का जीन, जो औरंगजेब का जीन, क्या मोदी जी के अंदर घुस गया था? खोरी गांव में 40 मंदिर टूटा था, जो मूर्तियां तोड़ी गई उसमें कौन सा औरंगजेब तोड़ दिया था भैया? वाह रे वाह, नौटंकी पराने चल दिए हो। समझो हिंदू धर्म को, कि हम पत्थर को भी पूजते हैं, हम पेड़ को भी पूजते हैं, हम पानी को पूजते हैं, हम आग को पूजते हैं, हम कुत्तों को पूजते हैं, हम जानवरों को पूजते हैं। यही तो खासियत है हमारे हिंदू धर्म की। आप हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं चंद रोटी के लिए, आप भी प्रधानमंत्री के सामने मुजरा गा रहे हो, ठुमका लगा रहे हो। आपको खुश होना चाहिए बाबा मिल गए। अरे सुन लो, सुन तो लो, कभी रामायण पढ़े हो? हमारा धर्म शास्त्र क्या कहता है? आप तो रुद्राक्ष माला पहने हो, रुद्राक्ष माला पहन के झूठ नहीं बोलना चाहिए। खाओ गीता और रामायण की कसम, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? नर ही नारायण है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा पता है? तो आप उसको नहीं सीखोगे। हमारा वेद शास्त्र क्या कहता है? मनुर्भव, मनुष्य बनो। अब मनुष्य क्या क्या लक्षण है बता दो। रुद्राक्ष के माला पहन लिए, अच्छा लगा भगवा पहन के चला है, बीजेपी ITSL की तरह सवाल पूछ रहे हैं, क्यों बदनाम करते हो? अरे माना है कि 2-4 लाख रुपया मिल गया होगा, तो इतना दलाली करोगे, मुजरा गाओगे, हिंदू धर्म को बदनाम? ए बेशरम,
सुनो सत्ता के दलाली बात करो, वो दिन दूर नहीं, सुनो वही रेलाई होगी जो रेलाई श्रीलंका में पत्रकारों को इसलिए मारा पीटा जा रहा था। आप जैसे घटिया स्तर के पत्रकारों की रेलाई हो रही है श्रीलंका में, भारत में दिन दूर नहीं है आपको भी चुन चुन के मारा जाएगा। जैसे श्रीलंका में मंत्रियों के साथ साथ पत्रकारों की कुटाई हो रही है ना, आप जैसे पत्रकारों की और अंधभक्तों की तीन दवाई, लात जूता और पिटाई, भारत में वो शुरू होने वाला है।